बाहर गए नहीं हैं, तो जब तक आप बाहर जाएंगे नहीं, आपका लाइसेंस कैसे बनेगा? तो ये वीडियो खास उन भाई के लिए होने वाला है जिनके पास इंडिया का हैवी लाइसेंस है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो खास उन भाइयों के लिए होने वाला है जो ड्राइवर हैं और ड्राइवर के काम में विदेश जाना चाहते हैं या यूरोप जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो खास उन भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन भाई के पास इंडियन लाइसेंस है और इंडियन लाइसेंस पे वो बाहर गल्फ कंट्री या यूरोप में जाके गाड़ी चलाना चाहते हैं, ड्राइवर का काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि अधिकांश जो डिमांड आता है, अधिकांश जो इंटरव्यू आता है, गल्फ कंट्री की बात करें या यूरोप की बात करें, उसमें GCC लाइसेंस मांगा जाता है। GCC लाइसेंस मतलब दुबई का वैलिड लाइसेंस, कतर का लाइसेंस, ओमान का लाइसेंस, इन सब का लाइसेंस मांगा जाता है। लेकिन बहुत से मेरे ऐसे भाई हैं जिनके पास GCC का लाइसेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाहर गए नहीं हैं। तो जब तक आप बाहर जाएंगे नहीं, आपका लाइसेंस कैसे बनेगा? तो ये वीडियो खास उन भाई के लिए होने वाला है जिनके पास इंडिया का हैवी लाइसेंस है। जी हाँ दोस्तों, तो एक डिमांड आया हुआ है दिल्ली ऑफिस में यूरोप के लिए। यूरोप में एक देश है स्लोवेनिया, उसके लिए हैवी ड्राइवर की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, जो भाई हैवी ड्राइवर हैं, जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं और जिनके पास इंडिया का लाइसेंस है, वो यूरोप जा सकते हैं, स्लोवेनिया जा सकते हैं। और सैलरी की अगर हम बात करें तो उनके लिए बहुत ही अच्छी सैलरी है, 1000 से लेके 1100 यूरो सैलरी है। तो लेकिन उसमें एक कंडीशन है। सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि जो आपका इंडिया का लाइसेंस है वो कम से कम 1 साल वैलिड हो। ये ज़रूर ध्यान दें, इंडियन लाइसेंस है आपके पास, हैवी ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 1 साल वैलिड हो, चिप वाला लाइसेंस होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस इंटरव्यू में, इस डिमांड में केवल वही भाई जा सकते हैं जिनको इंग्लिश बोलने आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये क्लाइंट की तरफ से ये कंपनी का एक रिक्वायरमेंट है कि जो भाई इस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो स्लोवेनिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं हैवी ड्राइवर में, उनको कम से कम बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक इंग्लिश अनिवार्य है। तो केवल वही भाई आए डायनामिक में इंटरव्यू के लिए जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश की नॉलेज है, जो इंग्लिश बोल सकते हैं या थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख सकते हैं। और इसमें अगर आपके पास गल्फ का लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास गल्फ का लाइसेंस नहीं है तो इंडियन लाइसेंस पे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन कंडीशन जो एक है कि वो आपका इंडियन लाइसेंस वैलिड होना चाहिए और वैलिडिटी कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। दोस्तों, अगर पासपोर्ट की बात करें तो इसमें दोनों पासपोर्ट मान्य हैं, ECR पासपोर्ट भी चलेगा, ECNR पासपोर्ट भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि जिनका पासपोर्ट केवल ECNR है वही इंटरव्यू देंगे, नहीं दोस्तों, इसमें दोनों पासपोर्ट मान्य हैं, लेकिन बस इंग्लिश थोड़ा सा आना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये एक डिमांड आया हुआ था यूरोप के लिए। स्लोवेनिया एक कंट्री है जो कि सेंट्रल यूरोप में आता है। तो बहुत से भाई कहते हैं सर यूरोप का डिमांड बताइए, यूरोप का डिमांड बताइए। तो दिल्ली ऑफिस में एक इंटरव्यू आया हुआ है। तो जो भाई ड्राइवर के काम में यूरोप जाना चाहते हैं, जो भाई हैवी ड्राइवर के काम से यूरोप जाना चाहते हैं और जिनके पास इंडिया का लाइसेंस है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो जैसे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करें जल्द से जल्द दिल्ली डायनामिक ऑफिस में आप संपर्क करें। मैं एड्रेस कॉन्टैक्ट में दे दूंगा कि किन से आपको बात करना है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।